यहाँ बैतूल में नॉमिनेशन फॉर्म भराने के लिए आया हूँ। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री विजय शाह जी, पूर्व मंत्री माननीय कमल पटेल जी, हमारे चुनाव अभियान समिति के संयोजक श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, वरिष्ठ विधायक। इस अवसर पर हमारे दुर्गादास उइके जी, जिनका नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के लिए पूरा देश मोदीमय हुआ है, मध्य प्रदेश उसमें सबसे अच्छी स्थिति में है। जब हम 29 की 29 लोकसभा जीतने के लिए लगातार मेहनत भी कर रहा हूँ, जनता के मन में अपील भी कर रहा है। मैं आज खास करके बैतूल के इस नॉमिनेशन के उस सकता हूँ कि बैतूल हमारा पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। मुझे बड़ा दर्द होता है, दुख होता है कि जो हार रहे हैं वो कभी ईवीएम को दोष देते, कभी संविधान को दोष देते हैं। वो अपने अंतरंग में झांक के देखे कि उनने गलतियाँ क्या की, उनकी और उनकी पार्टी की, विपक्षियों की हालत आज क्या हुई है। कोई बेल पे है, कोई जेल में है। लगातार इस दुरावस्था में वो आत्मूल्यांकन करे। और लोकतंत्र के लिए खास करके जनता बहुत बारीक निगाह रखती है, और माननीय मोदी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा नहीं, और हम उसके परिणाम देख रहे हैं।